हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो साथियों अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो अभी वो वीडियो उसमें डाला है रोशन आर्य पॉइंट ने। वो भाई भी अच्छे वीडियो बनाते हैं, हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ टी आर्मी के ऊपर। तो अभी जैसे कि उन्होंने दिखाया कि उन्होंने किसी अपने वीडियो में यानी किसी और को दिखाया था जो बता रहा था कि यानी कि उनकी बात किसी टी आर्मी के भाई से हुई है। तो दोस्तों ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी जो उनकी जो शर्तों में चेंज किया है, यानी कि जो भाई ने बताया कि एज में बदलाव हो गया, यानी कि जो इसकी 18 से 42 साल है, तो यानी कि उस एज का बदलाव हो गया, यानी कि 18 से 25 साल हो गई है उसके बाद या होने वाली है। उसके बाद जो हाइट है, यानी कि जो टी आर्मी की हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है सभी के लिए, तो बता रहे हैं कि इसमें भी 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ की जाएगी, यानी 160 की बजाय तो 163 या 64 या 165 सेंटीमीटर भी हो सकती है। उसके बाद वो भाई बताते हैं एक तीसरा एग्ज़ाम, यानी कि जो टी आर्मी का एग्ज़ाम पहले से इसका क्या एक एग्ज़ाम होता है, पेपर रिटर्न टेस्ट 100 नंबर का होता था पहले वो, अभी तो पिछले देखा कि अपने 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम बता रहे हैं वो टफ हो जाएगा, दोस्तों इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ये है वो है, और इसका जो रनिंग है ऑलरेडी उसमें भी यानी कि बहुत टफ कंपटीशन है। तो ऐसे काफ़ी पहले भी एक दो वीडियो आए, काफ़ी मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि जो हमारे बच्चे लगातार टी आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों बता दूं आपको मैं, अभी तक कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं आया है। जो बच्चे टी आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, जो टी आर्मी के लिए ही लगातार जो टी ए लवर हैं, टी ए की तैयारी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो वो हताश या निराश ना हो। जब भी इसके लिए कोई भी इसमें चेंजिंग आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक सच्चा सटीक जानकारी भरा वीडियोज़ बनाऊँगा। तो एक्चुअली मैं वैसे अभी घर से कहीं बाहर आया हूँ तो टाइम नहीं था मेरे पास फिर भी, लेकिन आप लोग गुमराह ना हो, हताश और निराश ना हो, इसलिए टाइम निकाल के 2-3 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अभी भी जो पहले से जो नियम कानून टी आर्मी के लिए चलते आ रहे थे वही चलते आ रहे हैं, अभी तक बिल्कुल भी कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, तो ये थी खबर अभी तक के लिए जो आपको लेकर मैंने बता दी। भले ही कोई कैसा भी वीडियो बना रहता है उससे आपको डरने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई ये चिंता का विषय नहीं है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।